और जो इसका लाइफ का पहला जॉब था वो था टॉयलेट क्लीन करना। आज वहां से 2 ट्रिलियन की कंपनी बनाई। तो ये लोग थे डेवलपर कैटेगरी ने जिन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप करा। फिर आते डिनायल कैटेगरी के, यार एआई से कुछ नहीं होने वाला, देखा जाएगा जब होएगा। जो इनको ऑर्डर्स आए ये आउटसोर्स करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी ताइवान में, टेक्नोलॉजी है इनकी यूएस की। इन दोनों को कंबाइन करके अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एसिस हो गया। इनका भी मॉडल एप्पल जैसा है, डिजाइन इन कैलिफोर्निया, असेंबल इन चाइना। यूएस में डेवलप करी टेक्नोलॉजी और जैसी जैसे ऑर्डर्स आते हैं थर्ड पार्टी से ये मैन्युफैक्चर कराते हैं। यार हम लोगों को तो अब पता लगा जब चैट जीपीटी जैसे टूल्स आने लगे, बट एआई, मशीन लर्निंग ये सब 2010 में शुरू हो गया था। हमने सुना है कि अगर अपना धंधा शुरू करना हो तो ऐसी चीज में शुरू करो जिसका फ्यूचर हो, और आपको धंधे में छोटे से छोटा काम अपने हाथ से निकालना पड़ेगा। इस बंदे ने जो आज की डेट में हम कह रहे हैं फ्यूचर है, AI 20 साल पहले से शुरू करा। जो इसका लाइफ का पहला जॉब था वो था टॉयलेट क्लीन करना। आज वहां से 2 ट्रिलियन की कंपनी बनाई जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4 है। जैसे आपको पता होगा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप पेरिस में हैं या आगरा में हैं तो आप जरूर चाहोगे कि यार आईफिल टावर या ताजमहल के सामने फोटो जरूर खिंचवाएं। और उसकी जैसी शेयर मार्केट में एक टर्म है ग्रेट 7, दुनिया की टॉप 7 कंपनीज का ये ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर इस कंपनी का नाम है। इस कंपनी की एक दिन का शेयर प्राइस $280 बिलियन बढ़ा था। इसको आप ऐसे समझिए कि रिलायंस जो 1973 में शुरू हुई थी, आज तक 50 साल में रिलायंस की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है $243 बिलियन और वहीं इसने एक दिन में $277 बिलियन कमाए। जेनसान हुआंग द मैन बिहाइंड एनवीडिया, ताइवान से ये यूएस इमिग्रेंट हुए और यूएस में इनको चेंग्स और बहुत रेसिस्ट कमेंट्स पास होते थे। इनिशियल डेज में इनकी पहली जॉब थी यूएस में एक रेस्टोरेंट है डेनिस करके, वहां पे ये टॉयलेट साफ करते थे और यूटेंसिल्स क्लीन करते थे। और फिर इवेंचुअली इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद एज अ माइक्रो प्रोसेसर डिजाइनर काम करा एडवांस माइक्रो डिवाइसेस में, जो आज की डेट में आप AMD के नाम से जानते हो। 1993 में जेस ने अपने दो दोस्त क्रिस और कर्टिस के साथ मिलकर कंपनी बनाई, और ये कंपनी उसी डेनिस रेस्टोरेंट में बनाई जहां पे वो पहले काम करते थे। तो अब बात आई कंपनी का नाम डिसाइड करने की। तो नाम इन्होंने डिसाइड किया एनवी, नेक्स्ट विजन। आप ये कंपनी के नाम से ही देख सकते हैं कि इनका कितना फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट था। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करने गए तो इन्होंने कहा यार थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, तो एन विजन करा इन्होंने नाम। एन विजन के नाम से कोई और कंपनी ऑलरेडी चल रही थी, तो ऐसे ये कंपनी के नाम पे ड्राइव हुई एनवीडिया। और इस कंपनी का मेन काम था वीडियो गेम्स और ग्राफिक कार्ड बनाने का। अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे कि ये कंपनी क्या करती थी, बैंक्रप्ट होने वाली थी, कैसी बची बैंक्रप्सी से, और इसके रीजन क्या थे सक्सेस के। ये सब तो ठीक है, बट सवाल ये आता है आखिरकार करते क्या थे। उससे पहले आप एक चीज समझिए कि ये जिस मार्केट में शुरू हुए थे वो $0 बिलियन मार्केट थी। मतलब जहाँ पे आज की डेट में आप सोचते हैं ना ये $5 बिलियन मार्केट है, ये $10 मिलियन $15 मिलियन इसमें हम इतना पेनिट्रेट कर लेंगे, इसका इतना मार्केट शेयर ले लेंगे, ये सब जो हम वैल्यूएशन के चार्ट्स बनाते हैं, जब ये घुसे थे आप देखिए मार्केट साइज ही जीरो था। मतलब इनको मार्केट खुद की क्रिएट करनी थी। आप इसको एक इनकी रियल स्टोरी से समझिए। क्या हुआ जब इन्होंने कंपनी शुरू करी ना, इनके पास एक ऑर्डर आया सेगा से। सेगा ने बोला कि यार मेरे को ना 3D ग्राफिक्स बनवाने हैं अपने गेमिंग के लिए। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई हम बना देंगे। और जैसे जैसे ये लोग उस प्रोजेक्ट पे काम करने लगे इनको ये रियलाइज हुआ कि ये टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी ये टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज सेगा को कन्फ्रंट करी और ये एडमिट करा कि हाँ जी ये टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है और हमें टाइम लगेगा, बट हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो जितना हमने अभी काम करा है आप उतने पैसे दे दीजिए, नहीं तो हम बैंक्रप्ट हो जाएंगे। और सेगा ने उनको वो पैसे दिए और 6 महीने बाद एनवीडिया एक सोल्यूशन के साथ आया, और वो एक ऐसा सोल्यूशन था जिसने एनवीडिया की वो चिप्स ब्लॉकबस्टर बना दी। अब आप ये देखिए ठीक है इन्होंने चिप्स डेवलप करी, मार्केट धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा था, बट उस टाइम पे भी इतना बड़ा मार्केट नहीं था। इनका मेनली जो काम था आपने सुना होगा CPU और GPU, ये लोग GPU मैन्युफैक्चर करते थे। और खैर ये मैन्युफैक्चर भी नहीं करते, आउटसोर्स करते थे, उसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। आप ये देखिए कि GPU की मार्केट इतनी नहीं थी जितनी CPU की थी, क्योंकि GPU सिर्फ वीडियो गेम्स में काम आता था और CPU आपके कोड प्रोसेसिंग यूनिट हर एक पर्सनल कंप्यूटर में काम आता था। बट जो इनका मेजर ब्रेक थ्रू था वो था 2006 में, जब इन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज CUDA उसको डेवलप करा। अब उससे क्या होता था कि पहले जो काम CPU करता था अब वो सेम ही काम GPU भी कर रहा है। पहले सिर्फ GPU वीडियो गेम्स में काम आता था, बट अब इसके बाद वो मल्टीटास्किंग करने लग गया और कहीं ना कहीं जो CPU काम करता था वही GPU काम करने लग गया। और धीरे धीरे AI, मशीन लर्निंग, क्रिप्टो जैसी चीजें आने लगी और मार्केट डेवलप होने लगी। तो आप ये देखिए 2010 में ये सब चीजें शुरू हो गई थी। यार हम लोगों को तो अब पता लगा जब ChatGPT जैसे टूल्स आने लगे, बट AI, मशीन लर्निंग ये सब 2010 में शुरू हो गया था। अब आप ये देखिए एक टाइम पे जो ये चीजें लॉस पे बेच रहे थे वो आज की डेट में आप हैरान हो जाओगे इनका ग्रॉस मार्जिन सुन के। इनका ग्रॉस मार्जिन था 76%, मतलब जो चीजें 100 रुपए की बेच रहे थे उस पे सिर्फ इनको 24 रुपए का खर्चा आ रहा था। 76 रुपीज का डायरेक्टली प्रॉफिट था। आज की डेट में जहां स्टार्टअप लॉस में है या अगर
प्रॉफिट में भी है तो आप कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखा दोगे? 10-15-20-25% या आज की डेट में 76% का प्रॉफिट करते हैं। और आप इस बात को इस चीज से इक्वेट कर सकते हो जो माइक्रोसॉफ्ट अपना 10% टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का इनपे खर्च करता था, आज की डेट पे 40% इनपे खर्च कर रहा है। तो आज की डेट में आप कहीं पर भी AI सुनो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, वहाँ कहीं ना कहीं आपको इनवीडिया के चिप्स मिलेंगे। और तो और मार्क जुकरबर्ग ने लास्ट ईयर बोला था कि 2024 में हमारी जो मेजर इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी AI में, और उस AI के इन्वेस्टमेंट के लिए इन लोगों ने एनवीडिया से 3.5 लाख H100 ग्राफिक्स चिप लिए थे और एक चिप की वैल्यू है $40,000, मतलब $9 बिलियन का ऑर्डर एक प्रोजेक्ट का मिला है एनवीडिया को। और तो और आज की डेट में जो हमने ChatGPT सुना है और जो उसके अब डिफरेंट वर्जन आ चुके हैं, इसके पीछे भी एनवीडिया की चिप्स है। और अब ये इंडिया भी आ चुका है, जियो इसको इंडिया लेकर आ गया। जियो जो भारत GPT शुरू कर रहा है वो भी एनवीडिया से बैक्ड अप है, और यही चीज आप इनके स्टॉक प्राइस में देख सकते हो। पिछले 10 साल में 20,000% इनका स्टॉक प्राइस बढ़ा है, और पिछले 1.5 साल में सिर्फ 18 महीने में 5 गुना, मतलब 500% इनका स्टॉक प्राइस बढ़ा है। यही जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है AI में, यही आप इनके ग्रॉस मार्जिन में देखिए। पहले इनका ग्रॉस मार्जिन था 56% और आज के डेट में इनका ग्रॉस मार्जिन है 76%। और तो और ये AI की वर्ल्ड में मोनोपोली होल्ड करते हैं, दो इनके कॉम्पिटेटर्स है AMD जैसे। बट अगर आप एक तरफ AMD को देखिए, एक तरफ NVIDIA को, जहां NVIDIA एक चीज को 40,000 रुपए की बेच रहा है, वही सेम प्रोडक्ट AMD 15,000 का बेच रहा है, फिर भी लोग NVIDIA से ले रहे हैं, उसकी मोनोपोली है। और इसका मेन रीजन ये है कि जब दुनिया नहीं देख पा रही थी फ्यूचर, तब NVIDIA ने फ्यूचर देखा और इतने टाइम पे इतनी एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है जो AMD और इंटेल नहीं कर पा रहे। इसी का रीजन है कि आज ये ग्रेट सेवन क्या है, वर्ल्ड की Top 7 कंपनीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन्होंने 2 ट्रिलियन क्लब ज्वाइन कर लिया, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 और कंपनीज है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सऊदी अरेमको और NVIDIA। बट मेन सवाल आता है, ये मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ करते ही नहीं है। इनका भी मॉडल एप्पल जैसा है, डिजाइन इन कैलिफोर्निया, असेंबल इन चाइना, US में डेवलप करी टेक्नोलॉजी, और जैसी जैसी ऑर्डर्स आते हैं थर्ड पार्टी से ये मैन्युफैक्चर कराते हैं। बट मेन सवाल आता है कि ये खुद की तो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते ही नहीं है, जो इनको ऑर्डर्स आए ये आउटसोर्स करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी ताइवान में, टेक्नोलॉजी है इनकी US की, इन दोनों को कंबाइन करके अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ASUS हो गया। और दूसरी बड़ी चीज, जैसे आपने सुना होगा कि आप इलेक्ट्रिक कार बनाने से अच्छा है उसकी बैटरीज बनाओ, क्योंकि कार बनाने में हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। इससे अच्छा है आप उन बड़े प्लेयर्स का एक छोटा सा पार्ट लो और वो सबको सप्लाई करो। और ऐसा ही कुछ NVIDIA ने करा, इन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स उठाए जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ASUS, और इनको ये चिप सप्लाई करने लगे। तो दोस्तों, जब टेक्नोलॉजी आती है तब 3 तरीके के लोग होते हैं, डेवलपर्स, डिनायल एंड डूअर्स। तो ये लोग थे डेवलपर कैटेगरी ने, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप करा। फिर आते डिनायल कैटेगरी के, यार AI से कुछ नहीं होने वाला, देखा जाएगा जब होएगा, वो वाले। फिर होते हैं तीसरे लोग कि यार हम AI को अपनी लाइफ में कैसे इंटीग्रेट करें, 2-4-5 साल बाद ये टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को कैसे इजी बना सकती है।